मुझे पेशेंट आई लगी क्यों ओवर एक्टिंग मत कर बे ओके बीबी आई सी आई लाइक फाइटिंग गर्ल्स किसको बोलो ट्रीटमेंट करने किसको बोलो इसको उसको चल इसका ट्रीटमेंट कर किसका पहला तोड़ो पची जोड़ो मिर्गी का अटैक जिंदा रहना है तो एक्टिंग कम कर ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं मुंह से बदबू आ रही थी ऐसे पेन ठीक होगा उसका पेन मेरी देन है पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है पूरी तरह से बांध दो चल 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 अरे वाह पिरामिड वाली मम्मी लग रही है चुप वरना शादी से पहले तलाक हो जाएगा सॉरी 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 ये मेरी गलती है बाल मत काट देना अबे चुप बे दबा हो जाओ बहुत अच्छा काटती हो टेलर हो क्या छपरी कहीं ऐसा लग रहा है जैसे चूजा अंडे से बाहर निकला मम्मी डॉक्टर मैं ठीक हो लिया डॉक्टर तुमने तोड़ा भी जबरदस्त जोड़ा भी जबरदस्त रे मैं ठीक हो लिया रे डॉक्टर जबरदस्त अरे ठीक है डॉक्टर के हाथ में जादू है डॉक्टर नहीं जादूगर है जादूगर बहुत जल्दी डीन बनेगा ये कैसा इलाज था लेजर टीजर ब्रीजर ट्रीटमेंट आज ही सीखा कम ऑन सेक्रेटरीज ये डॉक्टर है नहीं अरे कुछ प्रॉब्लम हो गई लिए रुक 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 गाड़ी रोक एक्सक्यूज मी बाजू बाजू हटो हटो अरे ये तो नाला सोपा रखा है अरे मौशी का झालं अयो इधर काड़े काड़े गिर गया ए बंद कर बंद कर हेल्प करने के बजाय वीडियो बना रहा है चल निकल आइए चाचा आइए संभल कर आप कहां जा रहे थे चाचा मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर ने कहा कि उसे खून की कमी है इसलिए मैं ये सेब खरीदने यहाँ चला आया था इतनी दूर क्यों अपने एरिया में नहीं मिलता क्या अपने यहाँ 50 रुपए में एक सेब है जबकि यहाँ पर 2 सेब मिलते हैं तुम्हारे बेटे और बहू साथ नहीं रहते रहते हैं बेटा ए जी आप कहाँ चले गए थे चक्कर आ गया सुबह से कहाँ थे आपको लेके इन्हें कितनी चिंता हो रही थी बाप के बनाए घर में कोई है सब लोग रहे काय जला 3 करोड़ की डील तेरा बाप मेरे को बेच बाप को कोई बेचता है क्या बेचता तो नहीं लेकिन तेरे बाप पे मेरा दिल आ गया है मार्केट में ऐसा झुर्री वाला बापू कहीं मिलेगा ही नहीं आई वॉन्ट योर बापू बाप उसका कोई झोलझा पटा था क्या जवानी दीवानी होती है रे मुझे नहीं लगता खरीद पाएगा बेच डालते हैं भाई ये लोग मार्केट भाव निकाल रहे हैं राख तो नहीं दे रहे दोनों भाभियों की कसम सिर्फ पापा को ही ले जाएंगे क्या क्यों आप भी आ रही हो क्या माँ जी अकेली हो जाएंगी ना अबे 3 करोड़ दो और आई को भी लेके जाओ मुझे ये स्टील बॉडी वाला बुड्ढा ही चाहिए बाय वन गेट वन फ्री पापा के साथ मम्मी एकदम फ्री नको नको सिर्फ पापा का पैसा बोल सॉरी 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 मम्मी के लिए ठेंगा और पापा के लिए 2 करोड़ इसके अंदर बंद है बोलो खोलो क्या तुम भी आई बाबा का कलेक्शन करते हो बचपन से आप तेरे से अच्छी डील दे रहा है मुझे सिर्फ पापा चाहिए वो भी 4 करोड़ में पापा मेरे हुए डिस्कशन ब्रेक भंगार माता पिता का अच्छा भाव मिल रहा है होली बेच के फ्लैट लेंगे भाव और बढ़ना चाहिए लेकिन बलेगा कैसे एक दिन का टाइम और मांग लो ना ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध हमें एक दिन का टाइम दो आर यू श्योर श्योर मॉम डैड एक दिन और इंतजार कर लो कल तेरा बाप मेरा बाप बनेगा मोती छू रे अरे भोले गोले वो तेरे बाबू को सस्ते में खरीद के उस पे खर्चा करके चमका के महंगे में बेचेगा अकेले क्या एक बार टोके में नहीं घुस रही है पापा का भाव प्रॉपर्टी माफिक कैसे बढ़ गया देखो राज बताऊंगा लेकिन 10% लूंगा तुम्हारे दादा की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तुम्हारे पापा नहीं जानते कि तुम्हारे दादा ने सट्टेबाजी में बहुत सारे पैसे कमाए थे दादी से छुपा के जा जा लंबे लंबे राज बतूले मत दे सामने वो कौन है भिखारी आ गए ना धोखा इनकम टैक्स ऑफिसर आज से तुम लोग जो कुछ यहाँ करोगे उसका आंखों देखा हाल वो जाकर रवि तेजा को बताएगा इससे तुम्हारे बाबू का रेट गिर सकता है
हेलो, तेरे को मालूम हम आई बाबा से कितना लव करते हैं? उनको अपना कलेजा भी खेला देंगे। चल निकल। इन्फॉर्मेशन दी तो तुझे मार दूंगा। जय बुला रहे मोहन वाला जाना है। माँ जी, तेरे बालों का जूआ निकाल दिया। अंदर चलो, मैं आपके लिए शीरा बनाती हूँ। एकदम स्वीट स्वीट। चलिए अंदर चलिए। माँ जी, आपके लिए नई नई साड़ियाँ लाई हूँ। पापा, आपके लिए पैंतोत लाए हैं। पापा, फ्रूट्स खाओ, जाम बनाओ। चल, उनके लिए मिसल पाव बना। चल, शीरा बनाएगी। हैसनी स्ट्रीट से पापा के लिए टी-शर्ट लाया हूँ। कलर देख, एकदम लालम लाल। हमसे ज्यादा आपका ख्याल कौन रख सकता है? अरे थोड़ा बोला बड़ा। हमसे ज्यादा आपका ख्याल कौन रख सकता है? माँ बाप की सेवा कैसे करते हैं, हमसे सीखो मोहल्ले वालों। Where is your भाभी? पैसा बे। देखी नहीं, सर्च ऑपरेशन करो। गाड़ी का टेस्ट ड्राइव कौन लेगा? डॉक्टर पट्टी वाला। Yes. Settle the matter. ठीक है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? और ये कैसा डॉक्टर है, टेस्ट ड्राइव के बने गाड़ी लाता है या उतर जाता है? ठीक है। क्या मैं टेस्ट ड्राइव लूँ? बिल्कुल लो। स्टेरिंग कैसा है? मक्खन है। एसी कैसे चलता है? एकदम कश्मीर है। हॉर्न बजता है? और कान फाड़ है। ब्रेक कैसे लगता है? और डिस्को ब्रेक है। गाड़ी में एयर बैग है क्या? और एयर बैग नहीं, बीन बैग है इसके अंदर। क्या बात है, ये निकलता कब है? थुकने के बाद। नहीं निकला तो? और निकलेगा। नहीं निकला तो? और निकलेगा। 60 लाख की गड्डी है। खामोश। एक्सीडेंट करके दिखाओ फिर मानूंगा। चमड़े की है ना, फिसल गई। एयर बैग दिखा नहीं तो मैं गाड़ी लूंगा नहीं। दोबारा दिखा ना तुझे ठोक दूंगा। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा दिल कर रहा था तुम भी वहाँ जा रही हो जहाँ मेरा पेशेंट है। और तुम्हारा पेशेंट कहाँ है? पापा पेशेंट काट लो जी। तुम्हारा पेशेंट वहाँ है? या तुम तो हड्डी के डॉक्टर हो ना? ऑलराउंडर हूँ। नो हूल। वो क्या लिखा है? ABCD आती है? ENT। अर्थात कान नाक गला। वो तीन चीज संभाल सकता है, मैं दो चीज नहीं संभाल सकता। रुक क्यों गई बेबी? तुला का बटो मेरे को पटेगी। ट्राई करते रहो। सालिल को। हेलो, अंदर कहाँ जा रही हो? रुको, नहीं रुको। चाहिए अब वो मैं। डिलीवरी का खर्चा बचेगा, ये खुद ही डॉक्टर है। ग्रेविटी भरी नजरों से भाभी को खींच रहा हूँ। हाँ, पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट काफी इम्प्रूवमेंट बता रही है। और आप लोग कौन हैं? ये मेरी बहन है, इसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। ए, ले चलो इसे। हाँ? टकले, पागल हो गया है क्या? ये अभी तक कोमा में है। चुप! ए भाई, ये ठेला नहीं है जो घसीट रहा है, इलाज चल रहा है। हम लोग के ट्रीटमेंट में टांग मत अड़ा, हमें भी इलाज करना आता है। पेशेंट को ले जाओ। तो माज़ा टोकर था तो वर्षा तो उसका तो बैकअप बैकअप बैकअप। ये लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में जोर से मार रहा है, लेकिन पटेगी नहीं। पटेगी भी और पतंग कटेगी भी। Oh!
करो क्या भाई, माफ करना, लगता है डोंगरी मेडिकल से पास आउट है, गलती हो गई। चमड़ी है गोरी, यही चमाजी छोरी। आ गया मेरे सपनों का शहजादा। उसने अपने दिल के वार्ड में खाट बिछा दी रे। ऑपोजिशन में होने के नाते मैं सीएम से पूछता हूँ कि क्या उन्हें नहीं पता कि होम मिनिस्टर शहर में गुंडागर्दी फैला रहे हैं। सीएम को जवाब देना होगा, और अगर हमें इस बात का सही जवाब नहीं मिला तो उन्हें रिजाइन करना होगा। ये मैंने नहीं करवाया। मैं जानता हूँ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं एक सीएम हूँ। फिर से मेरे पास कोई शिकायत आई तो मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग। अबे ए, क्या बोला? जब देखो सीएम 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 की रट लगाता है। तेरे पैदा होते ही तेरे माँ बाप ने तेरा नाम सीएम रखा था क्या? कुर्सी पे तू बैठा है तो तू, मैं बैठूंगा तो मैं सीएम, दैट्स इट। क्या फिर धमकी दी तो काट डालूंगा। विक्रम। हाँ भैया। उस सीएम ने मुझे वार्निंग दी है, उसे हटा के मुझे सीएम बनना है। कितने एमएलए हैं अपने पास? यही कुछ 20 लोग होंगे, 50 और खरीद लेंगे। अच्छा, सबका सपोर्ट मिलता ही अनाउंस कर दो। ओके। सीएम बनना क्या कोई खाने का काम है? हलवा है क्या? क्यों उंगली टेढ़ी की और घी निकाल लिया? ये हलवाई की औलाद, पॉलिटिक्स ही एक ऐसा काम है जो इस देश में कोई भी कर सकता है।